हाय, मैं हूँ आकांक्षा राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं मैडम सर के सीरियल पे और सेट पे। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या सीक्वेंस चल रहा है आज। तो अभी शादी का सीक्वेंस चल रहा है। मैं यहाँ पे रोल प्ले कर रही हूँ निशा, मेरा कैरेक्टर नेम निशा है और यहाँ पे मेरी शादी का सीक्वेंस दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, आपको तो पता ही है कि मैडम सर जो सीरियल है कॉमेडी सीरियल है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस चल रहा है कि शादी में हमारे घर में या फिर हमारे जो सोसाइटी में है इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग खर्च करते हैं, गेस्ट को बुलाते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, खर्च नहीं करने चाहिए। वो पैसे कहीं और भी यूटिलाइज हो सकता है, कहीं डोनेट कर सकते हैं हम इनफैक्ट। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस चल रहा है, तो जो हसीना मैम है वो आएंगी और हमें गाइड करने की कोशिश करेंगी कि इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक फैमिली अगर खर्च करती है इतनी ज़्यादा पैसे, तो आसपास के जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि मेरे पड़ोस में या फिर मेरे कोई रिश्तेदार में इतना ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे, तो हमें भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर हो जाता है। तो ये सब नहीं करना चाहिए। इनिशियली हम लोग नहीं समझते हैं, बट फिर हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये बात सही है। तो यही है, ऐसा सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देखने वाले हैं ये सब कुछ। हसीना मलिक की एंट्री होगी, तो वो मेरे फादर को और हमें समझाने की कोशिश करेंगी कि जो मेरे अंकल हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं है जितने मेरे फादर रिच हैं, तो वो समझाने की कोशिश करेंगी कि इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी शादी में इतना ज़्यादा खर्च होगा तो मेरी जो कज़न है, मेरे अंकल की जो बेटी है, उनके ऊपर भी प्रेशर जा रहा है उतना ज़्यादा एक्सपेंस करने के लिए, खर्च करने के लिए और इतने ज़्यादा जो भी फैसिलिटीज़ करने के लिए। बट हम लोग समझते नहीं है, बट हसीना मैम हमारे को गाइड करती हैं, लास्ट में सब कुछ समझाती हैं, जो भी हसीना मैम और करिश्मा मैम, तो फिर हम लोग समझ जाते हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मैडम सर। मैं हूँ आकांक्षा राजपूत और यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर्स। थैंक यू। ये जो मेरा लुक है बहुत ही प्यारा लुक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है लुक ये गाउन। तो अभी मेरी शादी का सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन जो भी चल रहा है, तो इसमें मुझे ये लुक दिया गया है, बहुत ही सुंदर सा लग रहा है मुझे देख करके, बहुत ही हेयर्स एंड ये सब कुछ मेरे हेयर्स के लिए है, ये सब कुछ तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है और ये कलर आई गेस मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा अभी सीक्वेंस चल रहा है, इसके बाद दूसरा भी और चेंज है, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े हैं जो मुझे दिए गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू।